बेगूसराय में मकान विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान एक घंटे तक दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामे के साथ घटनास्थल रणक्षेत्र बना रहा। गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे आयोजित धरना प्रदर्शन में शहर कांग्रेस के साथ ही होटल एसोसिएशन, मजदूर संघ व शिफन कोर्ट संघर्ष समिति मौके पर पहुंचे। पुलिस के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इस मारपीट में दोनों पक्षों में कई लोग घायल हुए हैं। पूरी घटना नगर थाना के 100 मीटर पर सदर अस्पताल चौक के पास की घटना है, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों में आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि मटिहानी थाना क्षेत्र के सिहमा गांव के रहने वाले पूर्व मुखिया सह भाजपा नेता संजीव सिंह और फुलेना सिंह के बीच नगर थाना के सदर अस्पताल चौक के पास 16 धुर में बने मकान पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। हालांकि जमीन विवाद को लेकर मामला कोर्ट में लंबित है। एक पक्ष संजीव सिंह का आरोप है कि दर्जनों के संख्या में लोग उनके दुकान में घुसकर मारपीट और लूटपाट करने लगे। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि संजीव सिंह के पक्ष के लोगों ने हमला कर मारपीट की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का काफी प्रयास किया। इस बीच दोबारा दोनों पक्षों के विवाद हो गया और बीच बचाव करने पहुंची पुलिस पर भी हमला कर दिया। हमला करने के बाद दोनों पक्षों के आधे दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के बीच हाथापाई हो रही है। देखते देखते दुकान के अंदर घुसकर एक पक्ष ने लोगों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसी क्रम में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जाँच कर रही है। आज दिन में करीब 4:30 के लगभग हम लोग सीमा गांव में थे। परसों मेरे माता जी का श्राद्ध कार्यक्रम था, खत्म हुआ है। भतीजा आज दुकान पर था मेरा, न्यू रमेश स्वयं संस अशोक शर्मा के बगल में। वो हमको 4:30 करीब फोन किया जो यहाँ बहुत अपराधी जमा है, हमारे साथ गाली गलौज मारपीट कर रहा है और दुकान लूट रहा है। हम कहे जब और आदमी वहाँ नहीं है, कहा आदमी सब बहुत है, उसी के पास 50 आदमी है। फिर हम अपने ऑफिस में फोन किए, वहाँ से अपने 3-4 स्टाफ को भेजे, दिनकर चौधरी, अमित, शैलेंद्र जी सबको भेजे, जाइए देखिए क्या हो रहा है दुकान। वो लोग आया, उस सबके साथ भी मारपीट करने लगा। एक आदमी को हम कहे जाइए टाउन थाना जाके इंस्पेक्टर साहब को इन्फॉर्म कीजिए जल्दी। वो आया यहाँ टाउन थाना, इंस्पेक्टर साहब बोले हम नहीं जाएंगे वहाँ, आप लोग फरिया लीजिए और उसको पकड़ के ले आइए थाना, तो हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम DSP साहब को फोन किए, मैसेज किए, रास्ते से ही हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं दुकान पर, तब तक इस सब को मार के गिरा दिया। हम लोग बीच बचाव करने लगे, हमारा भी राइफल पिस्तल सब छीन लिया। तब तक यहाँ से पुलिस पहुंची है। ये लोग हम लोग को अंदर किए दुकान में, वो लोग को दुकान से बाहर किए। हम पांचों को दुकान में पकड़े हुए थे, अपने दुकान के अंदर इंस्पेक्टर साहब और जवान सब थे। वो लोग हम देखे थे, हम वही थे, सब सबको खींच के ले गया और मारने लगा। 10 आदमी को बाहर से बुलाया है और उसके बाद इस सब आदमी को इतना मारा है कुछ कहने के लिए ना। सब आदमी देखिए उनके तरफ से किसी आदमी को है, उनके तरफ से कितना आदमी घायल है सब। अब राइफल गोली चलाया अंदर में, मेरे दामाद को ले गया और अंदर में बंद करके गोली चलाया है। गोली किसके हाथ में है सो देखिए सर भाई। कितने लोग घायल हुए? 5 आदमी घायल। क्या बजे घटना हुई, क्या हुआ? घटना होगा 4:30 के बीच। मामला क्या था? मामला पानी रोके हुए हैं, मकान इनका है, सब रेंटर पानी 1 महीना से पानी खरीद कर लाते हैं, पीने के लिए रेंटर को देते हैं। अभी मोटर तार काट लिए हैं, ताला लगा दिए, मकान इनका है। मेरा बाप के दस्तखत मैंने हम लिखे दिए, गबाला में बाप थे, गबाला में। जमीन का जो मामला है जो कोर्ट में लंबी थे, मामला क्या लंबी था? मैंने सुप्रीम कोर्ट से चले आया, उसको हम नहीं जानते। क्या नाम बताएंगे? मैं साधवा कुमार। 2 बजे काली स्थान के पास अशोक शर्मा क्लिनिक के बगल में एक दुकान है रामाश्रय एंड सन्स, और दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस टीम वहाँ 5 मिनट में पहुंची। प्रथम दृष्टया यह पूरा मामला दोहरी जमाबंदी का प्रतीत होता है और पूर्व से विवादित रहा है वो जमीन, जिसको लेकर आज दोनों पक्षों में लड़ाई हुई और मारपीट के क्रम में द्वितीय पक्ष के द्वारा उनके पास जो लाइसेंसी हथियार है उसको फायरिंग की भी बात सामने आई। हम लोगों
तो जो भी सूचना मिली है हम लोग सारे एक बिंदु पर जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो भी उसका परिणाम होगा उसके हिसाब से अग्रतर कार्रवाई। अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? अभी दोनों पक्ष को जो भी झमेला में शामिल थे दोनों पक्षों को थाना लाया गया है, दोनों पक्षों के ओर से आवेदन लिया जा रहा है और उनके उनका जो लाइसेंसी हथियार है उसका जांच किया गया है। जो भी बातें आई है उस हिसाब से आगे देखिए, एक एएसआई और दो पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। जख्मी का कारण बताया जा रहा है कि दुकान के अंदर जो शीशा टूटा हुआ था उससे चोट लगा है। कई लोग बोल रहे हैं कि जो छत पर गोली लगी थी उसके वो जो डाइवर्ट हुआ छिटका उसके कारण जख्मी हुआ था। दोनों की स्थिति ठीक है, दोनों को प्रथम उपचार करा करके अभी दोनों जवान अभी थाने में। देखिए दोनों पक्षों से एक पक्ष से पांच लोग और दूसरे द्वितीय पक्ष से पांच लोग, करीबन 10 से 11 लोग की हम लोगों ने।